अनबॉक्सिंग टाइम भाई। यहाँ पे ना एक इशू और बताता हूँ आपको, अगर आप इंडियन हो ना, इंडियंस के लिए लाइक फूड वेज भाई बहुत कम ऑप्शन है, या तो घर पे बना के खाओ अपना कुछ, और ना वेज के जो ऑप्शन है ना बहुत ही महंगे हैं। मतलब अगर आप दो लोग हो और यहाँ पे घर पे बना के खा रहे हो तो 1500 रुपये पर डे मान के चलो घर पे बनाने का, और बाहर बैठ के खाओगे तो भाई ये मान लो 2 से 4 हज़ार रुपये आप लोगों के इंडियन रुपीस में कहीं नहीं गए। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है सारी, और इधर ज्वेलरी से रिलेटेड गोल्ड चैन वगैरह ये सारी चीज़ें, बहुत बड़ा ये 3 फ्लोर का है। स्पेशल वीडियो बना के दिखाएंगे इसका। भाई यहाँ पे ना एक लेंस कार्ड का भी ऑप्शन है, और डुगू क्या कहे है, कहाँ ढूंढ रहे तू? बस कुछ खाने को मिल जाए। अभी खाने को ढूंढ रहे हैं, और यहाँ पे सारे आउटलेट्स बहुत बड़े बड़े और बहुत महंगे महंगे हैं। सेल लगी हुई है। सेल भी दिखाना कि कैसी है, अच्छे बढ़िया में लेना तो कितनी। हाँ इसके लिए वो ये मैंने बताया ना, मॉल के लिए तो मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, फूड के लिए एक स्पेशल एरिया है। और यहाँ पे सिनेमाज भी भाई ज़बरदस्त हैं, मतलब बहुत क्लियर बहुत साफ सुथरी। ये फूड वाला एरिया है, ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे ही आउटलेट्स हैं। ये रहा मैकडी, वो रहा मैकडो मैकडोनाल्ड। फ्राइड राइस चाइनीज खाना। तो गाइस हमने लिया इधर कुछ खाने के लिए, मैं बोल रहा था ना कि सिर्फ वाटर बॉटल ये है 600 ml 2.5। ये नन्नू डाइटिंग पे चल रहा है, क्या नन्नू पतला होना है? आप सॉस भी लेके आ सकते हो। हाँ ले आऊँगा, ये मेरा ऑरेंज जूस। तो पेट भर गया, पेट भर गया है, इधर टाइम कब कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अभी अप्रोक्स 3:30 हो गए हैं। ये है भीसन नॉर्थ साउथ लाइन प्लेटफॉर्म बी, फिश स्टेशन। ओके फाइनली हम पहुंच गए हैं आउटसाइड, अब अपने को लेना है एग्जिट। क्या लगता है मिलेगा? अपने लोग क्या पता कहाँ मिल जाए। मेरे को नहीं लगता कोई मिलेगा, कल मिल सकता है, कल छुट्टी है ना सबकी। लुक गाइस वाओ वाओ, ओ शिट बारिश आ गई, छाता ले आते ना, गलती करी। आप मना कर रहे थे, मैंने सोचा कि ये शाम को आएगी। मैंने
देख लिया था टाइम। चलो कोई नहीं, ऑर्चर्ड रोड का सारा एरिया है, शो हाउस। कॉमन है, हर दूसरी तीसरी गाड़ी ना दिखे जाओगी। और देखिए इलेक्ट्रिक BMW ये वाली। हाँ चले, तेज नहीं है। ये देखो ये पोर्शे, जबरदस्त जबरदस्त। पता है यहाँ पे क्या है, मतलब ऐसे बारिश नहीं होती जैसे अपने इंडिया में ना, तो एक खड़ा बरस गया कि भाई बारिश होने लग रही है, दो घंटे तो रुका ही नहीं। भाई देखो ये क्लाउड है ना, मतलब कभी ये बारिश करते रहते हैं, कभी रुक जाते हैं, आज बीच में चले। अपने उस बिल्डिंग में चलना है। अंदर से चले ना, बाहर तो गर्मी है। फाइनली हम अपनी बिल्डिंग के पास आ गए हैं और होपफुली वो हमें मिल जाए जिसके लिए हम इतनी दूर से आए हैं। लेट्स सी, मिल जाएगा ना? मिल जाएगा। हमने देखा तो अपनी फोटो था पहले, बट वहाँ लेने का मन नहीं है। ये हम इंडियंस का सहारा है, यहाँ पे खाना मिल जाता है इंडियन। Finally guys, surprise is here. No, this is our GoPro Hero 11.
price will be whatever is in super the box, which okay. is actually identically similar to this. One battery, one screw head, this, this, yes. this, okay. and this is this already here. Okay. दोस्तों फाइनली हमें GoPro मिल गया है और देखते हैं अभी बिलिंग में कितना पड़ेगा अपने को. वैसे मुझे इंडिया में सस्ता मिलता मतलब इंडिया में सस्ता नॉर्मल पीपल्स को नहीं, मेरे को जैसे GST रिफंड मिल जाता है मेरी कंपनीज के अकाउंट्स के थ्रू. यस फाइनली मिल गया था GoPro. लेना है सॉरी 1 2 8 64 1 2 5 6 मैक्सिमम कैपेसिटी एज़ फार एज़ आई रिमेंबर इज़ 256 शो मी. ओके हाउ मच है दिस 5850 ओके एंड हार्ड डिस्क 10 यस 1 TB. This and 2 TB. Show me 2 TB. We want to proceed with this. 1 TB. Yes. Okay. Yeah. क्या क्या लिया हमने? हमने एक लिया है GoPro Hero 11. एक काम करो लाइट के नीचे आओ. हमारा जो सरप्राइज था वो ये था, है ना? Yes. ये था ना आपका सरप्राइज. हमने एक GoPro Hero 11 लिया है. प्राइस वगैरह घर जाके बताऊंगा. ओके okay? अभी टोटल सिंग अप $4 के अगर बात, हमारा टोटल 1000 प्लस लगा है ना. और ये हमने एक एडिशनल बैटरी ली है ताकि हम अच्छे से ब्लॉगिंग कर पाएँ. एंड एक हमने SSD कार्ड लिया है फॉर दिस, और एक SSD ली है. वैसे तो मेरे पास कैपेसिटी थी काफ़ी, पर मैंने एक एडिशनल ले ली ताकि मैं ये वाले वीडियोज इसके अंदर स्टोर कर सकूँ. अनबॉक्सिंग टाइम. वाओ हुई चीकू ऐसे ऐसे ये है GoPro की किट. GoPro 11? इसके ऊपर वाले रेड वाली टेप मत उतारना. ट्राईपॉड नॉट गिम्बल. तो मेरे ख्याल से असेंबल करना पड़ेगा अपने को, है ना? Yes. चलो ऑन करके देखते हैं.